Good morning class, this is our next pharmacology class in which today we will discuss about the local anesthetics. In our previous class we studied about the general anesthetics and we compare both these two, you know. तो आज हम लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ रहे हैं. लोकल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जिसको अपन टॉपिकली अप्लाई करते हैं या लोकली इंजेक्ट करते हैं नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करने के लिए. ये कंप्लीट रिवर्सिबल लॉस कर देते हैं सभी सेंसेशन का उस पार्ट में जहाँ पर वो नर्व सप्लाई कर रही है जिसमें अपन ने ये दिया है. पहले वो एजेंट्स हैं जो रिवर्सिबल ब्लॉक कर रहे हैं नर्व कंडक्शन का विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज. उसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं कर रही उस न्यूरॉन के अंदर विदाउट एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और इसमें कॉन्शियसनेस भी ख़त्म नहीं होती. लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं सभी सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए इन द पार्ट सप्लाइड बाय द नर्व. वो सभी सेंसेशन को उस पार्ट में ब्लॉक कर देंगी जिस पार्ट को वो नर्व जिस जिस पार्ट को जिस जिस एरिया तक वो नर्व सप्लाई कर रही है. मोस्ट जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं वो लाइपोफिलिक ग्रुप के बने होते हैं जैसे एरोमेटिक रिंग और इंटरमीडिएट चेन से ये कनेक्टेड रहते हैं एस्टर या एमाइड लिंकेज के द्वारा आयनाइजेबल ग्रुप से जैसे टर्शरी अमीन वगैरह. क्लासिफिकेशन पढ़े उससे पहले चीज़ और बता दूं मैं कि ये नर्व फंक्शन को ब्लॉक करते हैं टू इन ऑर्डर प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग मैनर कि जैसे ये कैसे फंक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं. पेन टेम्परेचर टच प्रेशर और फाइनली स्केलेटल मसल पावर को ये जो है वो ब्लॉक कर देंगे. लोकल एनेस्थेटिक्स कुड बी एस्टर्स और एमाइड. ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एस्टर्स एमाइड्स भी हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन अपन देखें तो इसके कई तरीके से अपन इसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं. जैसे क्लिनिकल यूज़ के फॉर्म में अगर अपन देखें तो सरफेस एनेस्थेटिक और टेबल एनेस्थेटिक अपन दो क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एस्टर्स और अमाइड्स के फॉर्म में क्लासिफाई होते हैं. एस्टर्स के अंदर कोकेन टेट्राकेन प्रोकेन बेंजोकेन ड्रग्स आती हैं जबकि अमाइड के अंदर लीडोकेन ब्यूपीवाकेन प्राइलोकेन और डिब्यूकेन नाम की एनेस्थेटिक्स जो हैं वो आ रही होती हैं. एस्टर्स में आप ये देखिए कि आई आ रहा होता है. अमाइड्स के अंदर टू आईज आते हैं. एस्टर्स में वन आई आ रहा है और अमाइड्स के अंदर जो है वो टू आई आ रहे होते हैं. आप स्पेलिंग्स के अंदर देखिए कोकेन में एक आई है टेट्राकेन में एक आई है प्रोकेन में एक आई है बेंजोकेन में एक आई है लीडोकेन में दो जगह आई है एल के बाद भी और ए के बाद भी. ऐसे ब्यूपीवीकेन के अंदर तो ये वन आई और टू आई का इसके अंदर मेजर डिफरेंस होता है. ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए याद रखने की चीज़ है ये. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए भाई इसका. लोकल एनेस्थेटिक्स पेनिट्रेट द नर्व मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन द नर्व फाइबर. जैसे नर्व मेम्ब्रेन में घुसेंगे नर्व फाइबर के सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देते हैं. ये इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड एरिया में लेस इफेक्टिव होते हैं उसकी लोकल पीएच क्योंकि वहाँ की कम हो जाती है इस वजह से. तो ये इस लोकल एनेस्थीसिया के पेनिट्रेशन को होने नहीं देती. जैसे पीएच उस एरिया की कोई इन्फ्लामेटेड एरिया है कोई इन्फेक्टेड एरिया है तो वहाँ की पीएच कम हो जाती है. पीएच कम होते ही लोकल एनेस्थीसिया उस जगह पे पेनिट्रेट नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो फिर उसका एक्शन थोड़ा कम हो जाता है. तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है नर्व फाइबर से पास होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल के द्वारा. जब नर्व रेस्ट में होती है तो इंटीरियर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है बस. ठीक है ये वाली चीज़ें आपने पढ़ रखी डीपोलराइजेशन वगैरह ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन एडजेसेंट रीजन्स का हो रहा होता है कैसे ट्रांसमिट हो रही है बाकी मैंने आपको सोडियम चैनल वाली बात बता दी. प्राइमरी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करे ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के पास जो इंट्रा सेल्यूलर एंड्स होते हैं उसके पास रिसेप्टर्स पर ये बाइंड होती है और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कम कर देती है सोडियम आयंस के लिए. सो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो पाता. क्या क्या काम में यूजेस क्या हैं. फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के काम में लेते हैं. टोनोमेट्री कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के दौरान कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वगैरह में भी इसको काम में ले रहे होते हैं. फॉरन बॉडी रिमूवल में जैसे एक ड्रॉप आप लोकल एनेस्थीसिया की दीजिए तो वो उस लोकेशन पे तो ये उस जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है
उसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं कोई ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट है तो। टोनोमेट्री के अंदर टॉपिकल एनेस्थीसिया जो है अपन को देना पड़ता है आईओपी को एसेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्राओक्युलर प्रेशर को एसेस करने के लिए अपन को टॉपिकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है ताकि अपन फिर उसकी आई की अपन अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के भी आई इम्प्रेशन के लिए अगर अपन फॉर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्क्लेरल लेंसेज के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए अपने को पहले ये टॉपिकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है ताकि अच्छे से लेंस उसके अंदर फिट हो जाए और कॉन्स्ट्रक्ट हो जाए वो एरिया, तो वो आपका दिया हुआ लेंस अच्छे से वर्क कर पाए। कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जैसे श्रीमर टेस्ट होता है, लैक्राइमल फंक्शन के लिए श्रीमर टेस्ट अपन कर रहे होते हैं आँखों के लिए, उसमें भी अपन ये लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दे रहे होते हैं। कॉमनली कौन कौन से लोकल एनेस्थीसिया ऑप्थैल्मिक प्रैक्टिस के लिए काम में लेते हैं, मतलब आई के लिए, जैसे लीडोकेन 1-4%, ब्यूपिवाकेन 0.25-0.75%, ईटीडोकेन 1-1.5%, प्राइलोकेन 1-2, मैपिवाकेन 1-2, हेक्सिलकेन 1-2, प्रोपाराकेन 0.75 और टेट्राकेन जो है 0.5% अपन आई के लिए काम में ले रहे होते हैं। इसके अलावा कॉमन टॉपिकल एनेस्थेटिक्स में लिग्नोकेन 2-4% आता है, टेट्राकेन 0.5%, प्रोपराकेन 0.75% और कॉमन रीजनल एनेस्थेटिक के अंदर लिग्नोकेन 1-2%। ये अपने को पता होनी चाहिए पर्सन, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कोई भी एनेस्थीसिया कहीं पर भी कितने भी पर्सन में अपन लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए एनेस्थेटोलॉजिस्ट ही जो है वो इसको इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सही अमाउंट में इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्यूपिवाकेन 0.5%, हेक्सिलकेन जो है 1-2% अपन दे रहे होते हैं ड्रग के रूप में। देखो इसके बाद अगर अपन फार्माकोकाइनेटिक्स देखें कि इन लोकल एनेस्थीसिया की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन अगर अपन इंजेक्टेड लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो कुछ फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, जैसे कितनी डोज में दिया गया है, कौन सी जगह पर दिया गया है, कौन सा टिश्यू पर यह ड्रग बाइंड हो रही है, लोकल ब्लड फ्लो उस जगह का क्या है, कैसा है, इस चीज़ पर उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। और अगर आप लोकल एनेस्थीसिया को अप्लाई कर रहे हैं किसी हाई वेस्कुलर एरिया जैसे ट्रेकियल म्यूकोजा पे या इंट्राकोस्टल नर्व्स के आसपास के टिश्यूज़ में, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं, ड्रग्स बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो जगह पे डिपेंड करता है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं अगर आप उसको इंट्रावीनस बोलस के रूप में दे रहे हैं, ये एक मेथड है इंट्रावीनसली ड्रग को देने का, बोलस के रूप में देना जिसमें लार्ज डोज ऑफ ड्रग अपन देते हैं। एक बार ये इनिशियली रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद में विच कंसिस्ट ऑफ अपटेक इनटू हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में जैसे ही अपटेक कर लिया जाएगा, जैसे ब्रेन में चला जाता है, लिवर, किडनी, हार्ट में चला जाता है, उसके बाद इसका स्लो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है। पहले तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया और ये ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह में चला गया, उसके बाद इसकी स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ रही होती है विद अपटेक इनटू मॉडरेटली वेल परफ्यूज्ड टिश्यू, जिसमें ये पहले स्टार्टिंग में तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में गया था, उसके बाद ये मॉडरेटली जो वेल परफ्यूज्ड टिश्यूज है जैसे मसल्स में जाएगा, GIT में जाएगा। तो पहला इसका रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इसका स्लो डिस्ट्रीब्यूशन। रैपिड में हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में पहले जाएगा और स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडरेटली वेल परफ्यूज्ड टिश्यूज में ये जाता है। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इसका कैसे होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो लीवर में जाकर के कन्वर्ट होते हैं एमाइड में या प्लाज्मा में एस्टरटाइप में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूरिन के साथ में ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। या तो अपने लिपिड सॉल्युबल के फॉर्म में था और ये कन्वर्ट हो गए वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में और फिर यूरिन के साथ में ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एस्टर टाइप के जो लोकल एनेस्थेटिक हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं स्यूडोकोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा, जबकि एमाइड टाइप के हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स और एमाइडेज नाम के एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज होते हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं भाई, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हार्ट को डिप्रेस कर देते हैं, हार्ट बीट को कम कर देते हैं, बीपी को कम कर देते हैं और एरिदमिया कॉज कर देते हैं। CNS के अंदर ये तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं जिससे कि रेस्टलेसनेस हो जाती है पर्सन में, ट्रिमर, मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं और कन्वल्जन्स, दौरे वाली वही कंडीशन आ जाती है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी इन
लोकल एनेस्थीसिया से, यानी एलर्जिक रिएक्शंस भी होती है। एनाफाइलैक्टिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये मेनली एस्टर टाइप से होती है, जिसमें एस्थमा हो जाता है पर्सन को, डर्मेटाइटिस, स्किन का डिसऑर्डर और स्किन पे रैशेस वगैरह जैसे देखने को चीज़ें मिलती है। कॉर्निया में कुछ चेंजेस, हालांकि बहुत रेयरली रिवर्सिबल कॉर्नियल चेंज इसकी वजह से होता है। अब कौन कौन से रूट से आप इनको दे सकते हो, तो सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में दे सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के रूप में आप इसको दे सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके क्लासिफिकेशन में ये बताया भी था कि अपन इसको क्लिनिकल यूज़ के रूप में क्लासिफाई करते हो, सरफेस एनेस्थीसिया और इंजेक्टेबल या इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। सरफेस एनेस्थीसिया मोस्ट पॉपुलर मेथड है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए। लिग्नोकेन 4% इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिग्नोकेन के अलावा कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन और ऑक्सिथाजेन इसमें काम में ली जाती है। इंजेक्टेबल या इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में नर्व एंडिंग्स जो हैं वो एनेस्थेसाइज की जाती है ड्रग के डायरेक्ट एक्सपोजर के द्वारा। ड्रग इनफिल्टर्ड होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाती है, जैसे प्रोकेन 2% और लिग्नोकेन 2% इसमें दी जाती है। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो वापस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, शॉर्ट एक्टिंग विद लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट एक्टिंग विद इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड लॉन्ग एक्टिंग विद हाई पोटेंसी। शॉर्ट एक्टिंग विद लो पोटेंसी के अंदर प्रोकेन और क्लोराप्रोकेन ड्रग एनेस्थेटिक्स आते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग विद इंटरमीडिएट पोटेंसी के अंदर लिग्नोकेन, मैपिवेकेन और प्रिलोकेन आती हैं, या इसको प्राइलोकेन भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग विद हाई पोटेंसी, वैसे ये प्रिलोकेन ही होगी, या प्राइलोकेन नहीं है तो प्रिलोकेन ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग विद हाई पोटेंसी में अपन टेट्राकेन, ब्यूपिवाकेन और रोपिवेकेन ड्रग्स जो हैं वो देते हैं। अब इसके अलावा नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया देखिए आप, ड्रग जो है वो इंजेक्ट की जाती है नर्व के बिल्कुल पास में, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस में दी जाती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर ड्रग जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेसेस के अंदर इंजेक्ट की जाती है, जैसे प्रोकेन और लिग्नोकेन। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर ड्रग को ड्यूरा के बाहर, ब्रेन के अंदर जो ड्यूरा है उससे बाहर आप ड्रग को देते हैं। कॉमनली यूज ड्रग्स जो अपन लोकल एनेस्थीसिया के साथ में दे सकते हैं, जैसे एड्रेनालिन और हाइलुरोनिडेज। एड्रेनालिन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर देती है, लंबा कर देती हैं, और उसकी टॉक्सिसिटी को भी कम कर देती है, क्योंकि लोकल एरिया पर एब्जॉर्प्शन इसका कम और धीरे हो रहा होता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो डीपॉलीमराइजेशन कर देता है हाइलुरोनिक एसिड का, जिससे कि इंजेक्टेड फ्लूड की परमियबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये ड्रग्स जो हैं अपन एलए के साथ में दे सकते हैं। अब इसके अंदर ड्रग आ रही है सबसे पहले टेट्राकेन। टेट्राकेन देखिए टॉपिकल एनेस्थेटिक है, 0.5% में ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस के अंदर दी जाती है, जिसको अपन अमीथोकेन भी कहते हैं। 30 मिनट के अंदर ये अपना काम या अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसके साइड इफेक्ट में स्टिंगिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा होता है, डंक मार रहा है जैसे कोई, पंक्चुएट हो जाती है इसकी वजह से कुछ साइड्स, ड्रग एलर्जी का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट है प्रोपाकेन, टॉपिकल एनेस्थेटिक है, 0.75% देते हैं, 30 सेकंड में अपना असर दिखाएगी। कोकेन फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है, जो कि हमारे को प्लांट कोका प्लांट से, कोका प्लांट की लीव्स से अपन को मिली थी। आजकल अपन इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉर्नियल टॉक्सिटी कॉज कर देती हैं, और नशे की दवाइयां हैं भाई, ये नशा कॉज करती है। तो ये ड्रग्स के रूप में कुछ लोग इसको काम में ले रहे हैं, एडिक्टिंग नेचर की वजह से आजकल ये बैन हो गई। नेक्स्ट है प्रोकेन, फर्स्ट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक है। जैसे अभी अपन ने कोकेन तो पढ़ा, वो तो नेचुरल थी, पर इसको सबसे पहले जो बनाई गई थी वो प्रोकेन है, लैब में बनाई हुई ड्रग। स्मॉल एरिया इन्फिल्ट्रेशन के रूप में और स्पाइनल एनेस्थेटिक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसका टॉपिकल यूज़ नहीं किया जाता। 2% इंजेक्शन जो है यूजुअली अपन इसका प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट एनेस्थीसिया है लिग्नोकेन, मोस्ट कॉमनली यूज एलए है ये, ऑप्थेल्मोलॉजी में इसको काम में लिया जाता है, 4% टॉपिकली और 2% इन्फिल्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो सॉल्यूशन कॉमनली काम में लेते हैं। कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है इसका,
और बहुत हाई डिग्री की ये पेनिट्रेशन शो करता है, तेज़ी से अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और बहुत गहरे तक ये जाएगा। टॉपिकली इसको लगाया जाता है नर्व ब्लॉकेज के लिए, इन नर्व ब्लॉक में भी लगाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में भी लगाते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगाते हैं और डेंटल एनल्जीसिया के रूप में भी लिग्नोकेन को यूज़ अपन करते हैं। इसकी वजह से ड्रॉजीनेस कॉज हो जाती है। अब ड्रॉजीनेस वर्ड अपने आपको खैर पता तो है, फिर भी बेहोशी जैसी हालत जो अपन ने कई बार कितनी बार ये वर्ड आ चुका है, ड्रॉजीनेस बेहोशी जैसी हालत है, तो आप चाहे आँख में दे रहे हो चाहे दांतों में दे रहे हो, ड्रॉजीनेस ये कॉज करता है। ब्यूपिवाकेन नेक्स्ट ड्रग है, इसका काफ़ी धीमे एक्शन शुरू होता है, 0.7% सॉल्यूशन अपन एनेस्थीसिया इफेक्ट ये शुरू करने के लिए अपन 0.7% इसको काम में लेते हैं। एकिनशिया जो है इसका 8 से 12 घंटे के लिए एकिनशिया को काम में ले रहे होते हैं। ऑप्थैल्मिक प्रैक्टिस के अंदर अपन इसको जनरली काम में ले रहे होते हैं 2% लिग्नोकेन के साथ मिला करके, या 0.75% ब्यूपिवाकेन के साथ में भी अपन इसको जो है ले सकते हैं। 7.5 TRU हाइलुरोनिडेज के साथ में लिया जा सकता है पेरीओक्युलर इंजेक्शन के रूप में। किसी भी तरह की सर्जरी अपने को परफॉर्म करनी है तो आई को एनेस्थेसाइज्ड किया जा सकता है इस ड्रग के थ्रू। तो ये अपनी ड्रग्स जो हैं इसके साथ लोकल एनेस्थीसिया की ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके अंदर अपन ने ये चीज़ें पढ़ी। इसमें कुछ आपको मैं आपको ये और बता दूं कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर लोकल एनेस्थीसिया के साथ में कौन कौन से वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। तो कॉमनली यूज जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर लोकल एनेस्थीसिया के है वो है एड्रेनालिन, जो अपन ने पढ़ा था, एल ए के साथ में दिया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है, ये एब्जॉर्प्शन को लोकल साइड पे स्लो कर देगा एनेस्थीसिया के, ब्लीडिंग को कम करेगा सर्जिकल फील्ड में और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को ये कम करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके कुछ डिसएडवांटेज वगैरह भी हैं, जैसे ये एट्रोपिन वगैरह जो है इंटेंस वैसोस्पासम कर देता है, एड्रेनालिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, वुंड हीलिंग को ये डिले कर देता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया। अब लोकल एनेस्थीसिया की टेक्निक्स, हालांकि वैसे तो इसमें नाम में आ गई थी पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि डिफरेंट टेक्निक्स अपन लोकल एनेस्थीसिया की काम में लेते हैं, उसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थेरापेटिक यूजेस वगैरह देखिए। जैसे सरफेस एनेस्थीसिया जिसको अपन टॉपिकल एनेस्थीसिया भी कह रहे होते हैं, इसमें स्किन में अप्लाइड ऑन द एब्रेडेड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, माउथ, आईज, थ्रॉट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ईसोफेगस, यूरिथ्रा, अल्सर्स, बर्न्स, फिशर्स वगैरह में अपन दे सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक्स जो हैं वो लोकल एनेस्थीसिया जो इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली टिश्यूज़ में, ऑपरेटेड साइट में टिश्यूज़ में आप उसको इंजेक्ट करेंगे, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। स्किन, सबक्यूटेनस टिश्यू और डीपर स्ट्रक्चर्स जैसे इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह में अपन ये दे सकते हैं। तीसरा है फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, जिसको अपन इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस रूट के अंदर, ये एनेस्थेसाइज कर देता है उस एरिया को, द एरिया डिस्टल टू द इंजेक्शन, जो उस इंजेक्शन से थोड़ा दूर एरिया उसको ये एनेस्थेसाइज करता है, ये इसकी खासियत है। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ माइनर प्रोसीजर्स ऑफ स्काल्प, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये अपन प्रोसीजर काम में लेते हैं। चौथा है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करना है पेरिफेरल नर्व के आसपास या उसके बिल्कुल क्लोज, या नर्व प्लेक्सस के बिल्कुल क्लोज या उसके आसपास, ये लार्जर एरिया का एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है फील्ड ब्लॉक के कंपैरिजन में। इसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है ये एनेस्थीसिया की, बस इसके बाद आपका ये, इसके अलावा एक एपिडोरल एनेस्थीसिया और इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया रूट और देखा जाता है। इसके साथ अपना लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।